शाजिया, भरी में तुम ये रखो, डिजाइनर क्लोथ और स्लीवलेस शर्ट राबे कैसे पहन पाएगी? मामा आपने खुद ही तो बनवाए थे भाई की दुल्हन के लिए। पर उस वक्त मुझे ये नहीं मालूम था ना कि मेरी बहू इतनी आउटडेटेड आ रही है, वो तो ठीक तरह से बोल भी नहीं सकती, आधी उर्दू बोलती और आधी। अम्मी मुझसे पहले राबिया को आपने पसंद किया और अब आप ही को इतराज है? बेटी मुझे कोई इतराज राबिया पे नहीं है, बट यू नो आवर सोशल सर्कल, वो कैसे मूव करेगी, किस तरह होगा, जमाने के साथ कैसे चल पाएगी? अम्मी मुझे एक बात बताएं, आपने राबिया को बहू बना के इस घर में लाना है या अपने सोशल सर्कल में घुमाना है? बट आई कांट अवॉइड देम, जमाने के साथ तो चलना होगा ना। तो फिर ठीक है, आप इनकार कर, मुझे कोई इतराज नहीं। देख रही हो इस लड़के, अभी से ये हाल हो गया इसका। तो मामा ठीक तो कह रहे हैं भाई, आप शादी की तारीख लेने जा रही हो और आप अभी ये बातें कर रही हैं। अरे अरे अरे, दोनों बहन भाई दीवाने से हो गए लगता है, हद हो गई। लेकिन आप क्यों बेवकूफी कर रहे हैं? आप इस वक्त ही बात बोल रहे हैं कि रिश्ता तोड़ दो? शाजिया मुझे अम्मी के मूड स्विंग्स बिल्कुल समझ नहीं आते। पहले यही राबिया का पेंडूपन उनको उसकी मासूमियत और अच्छाई लगता था, और अब उनको जमाने की फिक्र होगी। अब बताओ मैं क्या करूं? भाई देखिए, राबिया जाहिर नहीं है, लिटरेट है। हाँ माना कि पेंडू है, लेकिन हमारे घर में आएगी तो आप उसको हमारिया के तौर तरीके सिखा दीजिएगा, इसमें क्या प्रॉब्लम है? मैं भी तो यही बात कर रहा हूं, लेकिन अम्मी को कौन समझाएगा? अम्मी को कुछ समझाने की जरूरत नहीं, मैं सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से जानती हूं। मुझे पता है राबिया जैसी बच्चियां हर माहौल में आके एडजस्ट हो जाती हैं, और हमारे घर आ रही है ना, मैं खुद उसे सब कुछ सिखा दूं। तो मामा मेरा को प्रॉब्लम क्या? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इतराज नहीं है, लेकिन बस मैं क्या मामा, आपको पता है आपकी इन्हीं कच्चे खाने की आदत ने आपको परेशान कर रखा है। कम बोलो, ज्यादा मत बोला करो मेरे सामने। और शिराज, तुम जरा साई साहब को कॉल करो और उनसे कहो कि हम तारीख लेने आ रहे हैं, ताकि मैं परवीन बेगम को भी बता दूं। ठीक है? ठीक है। रख दो। काशिफ के लिए डॉक्टर से बात की? हो गई है, मैं कौन सा बेफिक्रा बैठा हूँ। और पैसों का इंतजाम हुआ? वो भी हो जाएगा। सोच रही थी कि अगर पैसों का इंतजाम नहीं हो रहा तो मेरी ज्वेलरी बेच दें। बेगैरत समझा हुआ है, और मेरे ऊपर जितनी मुश्किलें पड़ी हैं, तेरा जेवर बेचना होता ना, कब का बेच के खा पी के चट करके बैठा होता मैं। तो फिर कैसे होगा इंतजाम पैसों का? ओ, हो जाएगा इंतजाम, अपनी जिंदगी के अजाब में झेल लूंगा खुद ही। और तुम काफी दिनों से अपने माँ बाप के घर नहीं गई, जाओ रह के आओ 15-20 दिन। क्यों, ये क्या कह रहे हैं आप? क्यों, मैंने कोई गाली दे दी है जनाब को? अहमद आपको पता है ना, राबिया की शादी घर में कितना काम है, डिलीवरी के बाद चली जाऊंगी। इतना कोई अजाब नहीं आया, तुम जाओ बस रह के आओ 15-20 दिन। मैं नहीं जाऊंगी। फिर इनकार? मैंने कह दिया तुम जाओगी तो तुम जाओगी। क्यों जाऊं? मैंने भी कह दिया मैं नहीं जाऊंगी बस। एक तो तेरे ये फैसले, देखता हूं कैसे नहीं जाती तू। हाय बेबे, शुक्र है मेरा काशिफ बिल्कुल ठीक ठाक हो गया है, पला चंगा हो गया है। अल्लाह मेरे काशिफ में तत्ती वाह भी ना लगे, हमेशा हंसता बसता ही रहे। सबा की होया, फिर अहमद को लड़की आई है? दादी जी देखे ना अहमद को, अहमद मुझसे कह रहे हैं कि मैं अचानक से अपने घर चली जाऊं, वो भी 15-20 दिनों के लिए। तो हुआ, इसमें क्या बुराई है?
से कैसे चली जाऊं अचानक? घर वाले क्या सोचेंगे और मुझसे वैसे भी इस हालत में सफर नहीं होगा। इस हालत को क्या हो गया है? सारों के साथ ऐसा होता होता है। और महीना गुजर गया ना तो मुश्किल हो जाएगा जाना। क्यों भाई बेबे, क्यों मुश्किल हो जाएगा? अभी कौन सा पता चल रहा है कि चांद चढ़ने वाला है? मुझे तो पता चलता है। वैसे भी दादी जी, घर में इतने सारे काम है, राबिया की शादी है, काशी बीमार है, अब्बा जी मेरे बगैर नहीं रह सकते, उन्हें कौन संभालेगा? रियाज की शादी में जाएगी ना, फिर क्या होगा? बात की बात में देखी जाएगी। बेबे ठीक कह रही है ना, आप भी समझती नहीं है बहुत को। चली गई तो काम कौन करेगा सारे घर के? आपको पता मेरी हालत में कितनी कमजोर हो गई हूँ, मैं तो चलना नहीं चाह रहा दो कदम मेरे से। सब हो जाएगा, अहमद कह रहे हैं ना कि तेनु जाने ही पड़ेगा। दादी जी आप भी? हाँ मैं भी। नहीं दादी जी, मैं इस तरह से नहीं जाऊंगी। ओ हाय, देखिए पर पुर्जे निकल आए थे। हाँ तो आपने चौड़ चानन इसको किया है ना, आपने इसको बगाड़ा है। आपकी नाफरमानी करके वो सारा का बदला ले रही है आपसे। आपको समझ नहीं आती पर किसी बात की है, हमेशा से चलाक और मीसनी है बेबे ये लड़की। पर आपको कैसे बताऊं, मैं इशारे कर रही हूँ कि उसको रहने दे, काम सारे करने हैं, घर के संभालने, कौन करेगा? मैं करूंगी, मेरा को हाल है बेचारे का, मैं तो बिल्कुल बीमार जैसी लग रही हूँ खुद को। रोके उसको, हो जाएगा सारा काम, इन्हें जाना ही पड़ेगा। क्यों, मैं क्यों करूं फोन? उस लॉर्ड साहब को अयाज फोन करके बता देगा। हद हो गई है फैसल, हमारा भाई है छोटा आपका। अब भाई है? जब कदम कदम पे तुम्हें जलील करता था तब क्या था? तो कोई बात नहीं ना, कभी कभी छोटे इस तरह की गुस्ताखी कर देते, उसका हर किसी ये मतलब नहीं है कि बड़े इस तरह रूठ फूल के बैठ जाए, समझे आप? मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें ये बात समझ आ जानी चाहिए। कोई जाए ना जाए फैसल, मैं जरूर जाऊंगी हमाद को मनाने। मेरा दिल आपकी तरह पत्थर का नहीं है। नहीं जाओगी तुम? मैं जाऊंगी, जो कर सकते हैं आप कर लें। अरे वो घर छोड़कर गया है, हम उसे अपने दिलों से तो नहीं ना निकाल सकते। बिल्कुल ठीक कह रही हैं भाभी फैसल भाई, समझे बात को, सही है। एक तुम सही और एक ही तुम्हारी कूड़ मगज भाभी सही। बाकी सब इस घर में जाहिल हैं, बेवकूफ हैं। पता है असल बात क्या है? क्या? ये हमाद की आड़ में सारा को मनाने जाना चाहती है। तो यही समझ लीजिए, ठीक है मनाना चाहती हूँ अपनी बहन, छोटी बहन है मेरी, वो क्यों ना मनाओ। मैं बहस नहीं करना चाहता, तुम नहीं जाओगी, मैंने कहा। वैसे भाभी मेरा फोन करना तो ये सारे ना बरसात आपके पीछे पड़ जाएंगे, क्या ऐसा करते हैं कि मैं चला जाऊं? हम आई एम गोइंग। फैसल मैं आपसे बात नहीं करूंगी। क्यों, मैंने क्या किया? ना करो बात। हेलो। हाय शाजिया, वो मैंने सारा भाभी को कॉल कर दी है। तुम ऐसा करो, आंटी को तुम कॉल कर दो, बल्कि मेरे फोन से कर दो। भाई आपके फोन से इसलिए कॉल करूं ताकि आपके पास राबिया का नंबर आ जाए। वैसे अगर राबिया का नंबर ही चाहिए था भाई तो आप मुझसे रह क्यों नहीं मांग सकते थे? यार अगर नंबर मिल भी जाएगा तो आई डोंट थिंक वो बात करेगी। ये तो है, वैसे काफी बहन जी टाइप लड़की है वो। आई ऑल्सो थिंक सो। यार तुम्हें लगता है कि वो अपने आप को चेंज कर सकेगी? क्या आप उसे चेंज करना चाहते हैं? नॉट एग्जैक्टली चेंज यार, लेकिन यू नो जिस तरह के सर्कल में हम लोग मूव करते हैं कहीं वो ऑड ना लगे, उसका मजाक ना उड़ाएं लोग। भाई फिर तो आपको राबे से जरूर बात करनी चाहिए। वो अगर तुम बात करो। भाई आपने इतनी सी भी हिम्मत ही कि आप राबे से खुद बात कर सके, और आप ही हमेशा मेरे पीछे से बात क्यों करते हैं? जाएं जाके खुद बात करें उससे। आई नो मैं भी कर सकता हूँ यार, लेकिन यू नो लड़कियों के मामले में थोड़ा शाय सा हूँ मैं, प्लीज। ठीक है कर लूंगी मैं बात, लेकिन उसके लिए आपको रिश्वत देनी पड़ेगी।
यानी ढेर सारी शॉपिंग। अच्छा यार कर लेंगे, तुम बात तो करो। ठीक है, मैं राबिया से बात कर लूंगी और मुझे यकीन है कि राबिया जरूर मान जाएगी। या आई होप सो। भाई वैसे अगर राबिया का नंबर चाहिए तो बता दे। वो अगर बहन जी टाइप है तो मैं भी भाई जी टाइप नहीं चाहिए। अच्छा की होएगा माँ जी? तू फिकर ना कर, कोई ना कोई हल कढ़ी लांगे। उसे भी कितने मजबूर हो गए हैं माँ जी, वक्त ने सानू कितने लिहाज खिला देता है। कमाले जब तक मुसीबत ना लड़िए ना, जिंदगी दी भी समझ नहीं आती। ठीक है ना? ए जड़ी बीमारी होंगी ना, लोकी इनू मौत समझते हैं, ते बीमारी सानू जीन दा हौसला दे, जिंदगी कोलो हक मंगन दी ताकत देंदी है। अब काम तो ऐसे पढ़ाई करन जा रहे हैं ना माँ जी। अल्लाह ने चाहा यही पैड़ा काम साड़ी नेक नामी बन जाएगा, बस तू हिम्मत फार। मेरी हिम्मत तो तुसी हो माँ जी। ते मेरा हौसला तुम्हें पुत्र। आज तुम्हारी शादी हो रही है, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन भाई इस शादी पे ना मैं आऊंगा और ना ही सारा। हाँ यास, जो कुछ उस घर में मेरे साथ हुआ, अब वहां जाने की हिम्मत नहीं है मेरी। वो तो चढ़ गई भाभी, वो तो एक एक्सीडेंट था। आप दोनों कब तक उस बात को दिल में रखें? जब तक हमारे दिल से औलाद का काम नहीं जाए। तो भाई उसका तो यही मतलब हुआ कि उस घर में आप कभी कदम नहीं रखें। फैसला तो हमने यही किया। अयाज, औलाद का गम तो सारी जिंदगी नहीं बढ़ता, फिर क्या क्या तकलीफें नहीं देखी मैंने उस घर में। ऊपर से जारा उसने भी दादी से शिकायतें लगा दी मेरी, बस यही रह गया था सहना। बेहतर यही है मैं आज के तुम जाओ और जाके अपनी खुशियां मनाओ। हमारे भाई तू बहुत दुखी रहते हैं, हम दोनों को हद से ज्यादा याद करते हैं, सारा सारा दिन कमरे में रहते हैं, ना खाते हैं ना पीते हैं। प्लीज उनको कहना है आज के उनकी लाडली बहू है ना उनके पास, उससे खिदमत करवाए। मैं तो वैसे ही बहुत बुरी थी ना, कोठी मेरी उजड़ी, कसूरवार भी मैं ही ठहरी। यास, तुम जाओ यास, हम नहीं आएंगे। ठीक है, आप दोनों ने फैसला कर ही लिया है तो अब तो उनके मुबारक हो तुम्हें बहुत बहुत। ओके भाई, खुदा हाफिज़। घूंघट उठा लूं के घूंघट गिरा लूं, सैया जी का कहना मैं मानूं के टालूं। घूंघट उठा लूं के घूंघट गिरा लूं, सैया जी का कहना मैं मानूं के टालूं। घूंघट
के घूंघट चुरा लो आज चौना घूंघट उठा लो। कपड़े ला के दिखाने शुरू कर दिए मुझे। अयो तू कितनी बेशर्म है राबिया, तुझे कोई हया ही नहीं? ये भला कपड़े को पहनने वाले हैं? माँ जी जैसा देश वैसा भेष। अब शिराज को ऐसे ही कपड़े पसंद है तो ऐसे ही पहनूंगी ना। हाय हाय चलाको जैसी तो अभी पहले से समझदार कितनी हो गई, सियानी कितनी बनती है। तो वो जो मैंने दीपक परानी के लिए जो इतने मैंने 101 जोड़ा तैयार किया है उसका क्या करूंगी फिर मैं? तो मेरे जाने के बाद खुद ही पहन लेना। अच्छा शिराज को फोन करके उसकी पसंद मालूम करती, उसको ईस्टर्न कपड़े पसंद है कि वेस्टर्न कपड़े पसंद है, तो फिर मैं वैसे ही कपड़े पहन। ये ना ये ईस्टर्न वेस्टर्न क्या मतलब है, ये कौन से कपड़े होते होते हैं? तू नहीं समझ आएगा तो इसे छोड़ो। हाँ जी ठीक कह रही है जी आप जी बेगम साहबा, मुझको क्या पता, मैं तो बेचारी पेंडू और तो मुझको क्या पता। अब ये भी दिन आना था कि मुझे मुंह पे पेंडू कह के एक तो पसंद से शादी कर ली है, मेरी मेरी मर्जी से की भी नहीं और ऊपर से मुझको पेंडू कह रही है। माँ जी शिराज जो है ना उसका अपना कारोबार है, दौलतमंद आदमी है वो, आप खुद ही बताओ आपकी पसंद है कि मेरी पसंद है? मैं मर गई, मेरी अपनी सबकी थी, मुझे ही ताने दे रही है, तौबा कैसा जमाना आ गया, बस मैं तो अब चली यहाँ से, मेरा तो कोई हाल ही नहीं था रहने का ठिकाना। माँ जी तुसी कहीं ना जाओ, खुदा दा वास्ता है अभी जाने का वक्त मेरा है। हैं ये क्या कह रही है कि शराज जो है वो दौलतमंद है और बड़ा अमीर है, इसका मतलब है कि ये जो है वो अदनान बेटा जी, बेटा जी करो बेटे जी को, उससे ज्यादा अमीर है शिराज बेटे जी। वालेकुम भाभी। भाभी चाय मिल जाएगी? हाँ क्यों नहीं मिलेगी, बस दम पे रख के आई हूँ पिला के देती। वो सुनो तुम रात को वहाँ माता सारा की तरफ गए थे? गया था, कोई फायदा नहीं हुआ, नहीं आएंगे वो दोनों। हैं कैसे नहीं आएंगे, तुमने जाके मनाना होता ना उनको। भाभी जब वो मानना ही नहीं चाहते तो मैं क्या करता। तो आप चली जाइए, कर लें शौक पूरा। आप शायद भूल रहे हैं आपकी और मेरी बातचीत बंद है, मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ, वो भी आपकी पसंद का ऑमलेट। मेरी चाय? हाँ यार लेके चला जाना इसे, तू तो जानता है कितनी सेंसिटिव है, ऐसे ही खुलती रहेगी। फैसल भाई मैं ले तो जाऊँ, हमाद भाई और सारा भाभी कभी इनसे मिलना नहीं चाहिए, वो तो आज तक इनको ही जिम्मेदार समझते हैं औलाद में। लेकिन एक चीज, अगर दोनों नहीं आए तो हमारी कितनी बदनामी होगी और मम्मी अबू का भी बहुत दिल दुखेगा। सोचें कुछ आप। अहमद मेरी तो समझ नहीं आती, सबा किसी तौर पर नहीं मनती। दादी जी ऐसा एक ही हाल है, वो हाथ फड़ा तो माँ प्यो के घर छड़ के आ जावा। वक्त ना उसकी हालत देखी हो, कोई उल्टा सीधी हरकत ना करी। दादी जी मेरी गल सुनो, सभा इतनी रहेगी तो फसाद पाएगी, बड़ा वाला मसला होना, बाद चो मुसीबत आ जाएगी। कहते हैं मैं कुछ करनी है। एक और हल भी है। दादी जी मेरी गल सुनो, मैं सारे नु यही गल कह रहे हैं, सोच ले कोई उल्टी सीधी गल साड़े गले च ना पै जाए। ओ दादी जी ऐसी केड़ी ज्यादती कर रहे हैं? फिर इस तरह करने हैं, पहले राबिया ने रुखसत कर ली है फिर से। चलो जिवें तुसी खुश। मैं डॉक्टर को चला, काशिफ वास्ते टाइम है, राबिया दे ससुराल फोन करो, उनको किसी काशिफ दा ऑपरेशन कराना है, रुखसती करन। बस मैं फोन लगानी हां, या अल्लाह मेरी इज्जत रख ली।